हम और आप दिगंबर जैन आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी विरचित आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र व्याकरण में हलंत पुरलिंग शब्द पूर्व सत्र से हमारा प्रारंभ हुआ है। हलंत पुरलिंग और हलंत पुरलिंग शब्द में पहले सत्र में हमने हकारांत शब्द गो दुह शब्द से प्रारंभ किया था, दाम ली है। अब पुनः आपके बीच में हकारांत शब्द में गो दुह, गौ धोने वाला, गाय को धोने वाले को गो दुह कहते हैं। अब यहां पर भी अंत में हकार है। अब गो अलग है और दुए धातु अलग है। गाम दोगधी इति गो धुक, गाय को जो दोहता है दूध निकालता है उसको गो दुहे कहते हैं। गो उपपद दुहे परपूर्णे धातु से गो दुह शब्द निष्पन्न होता है। गो दुह शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर गो दुह धन सा, यहां पर होडा सूत्र की प्राप्ति है। होडा सूत्र कहता है कि हा जिनके अंत में है ऐसे मृत संज्ञक गु के लिए ढा आदेश होता है और गो दुह शब्द के अंत में भी हा है, इसीलिए हो डा सूत्र से ढा की प्राप्ति होती है। परंतु अगला सूत्र में प्राप्त होता है दा देर धोधा। ये सूत्र को बड़े ध्यान से देखिएगा। गो दुह शब्द में गो उपपद एक अलग शब्द है और दुहे ये धातु थी, तो सूत्र कह रहा है कि दकारा देर दो हकारस से घकारा देशो भवती जली पदांते च। ये सूत्र कह रहा है कि दा है जिसके आदि में, तो दा किसके आदि में, दुहे धातु के आदि में दा है और अंत में है हकार, तो हा अंत में है, ऐसी धू माने धातु के होने पर अर्थात जिन धातुओं के आदि अक्षर में प्रारंभ के अक्षर में दा है और अंत में हा है, ऐसी धातु संबंधी जो हा है उसके स्थान पर घा आदेश होता है, घर का घा। शर्त भी होड़ा की तरह ही है इसकी के झल पड़े हो या पदांत हो। अब अपने को ये ध्यान रखना है होडा सूत्र पांचवे अध्याय तीसरे पाद का 48 नंबर का सूत्र था और दा देर धोघा सूत्र पांचवे अध्याय के तीसरे पाद का 49 नंबर का सूत्र है।
यानी कि उस सूत्र के बाद का ही ये सूत्र है जिसमें हो माने हा की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात जिन शब्दों के जिन धातुओं के आदि का अक्षर दकार हो और अंत में हकार हो, ऐसे हकार के स्थान पर होडा सूत्र न लगकर दादेर धो घा सूत्र के द्वारा घा आदेश होता है। पदान और झलके होने पर अब सुविभक्ति जो लेकर आते हैं, सुविभक्ति का लोप कर देंगे तो पदांत मिलेगा और सुविभक्ति का लोप नहीं करेंगे तो झल मिलेगा। तो यहां पर सी विभक्ति सु का यदि लोप कर देंगे तो पदांत भी मिल जाएगा, दोनों शर्तें यहां पर प्राप्त हो जाती हैं। अब यहां पर हमने वो दूध शब्द का जो हा है उसको घर का घा कर दिया गया है। अब घर का घा किए जाने पर ये अगला सूत्र हमारे बीच में जो नीचे बैठा हुआ है वो कहता है एकाचो बसो झस झसा स्तब्धो हो। एकाचो बसो झसा बस झसा स्तब्धो हो, अर्थात धातु संबंधी एक अच जिसमें हो तो यहां दुहु में एक अच है और झसंतस्य झस प्रत्याहार जिनके अंत में हो, ऐसा यह अवयव ऐसे धातु के अवयव को तस्य माने उसके स्थान पर यथा संख्यम भस भावो भवंती माने झस झस प्रत्याहार के स्थान पर भस प्रत्याहार होता है, झल और सकार और ध्व शब्द के परे होने पर तथा पदांत में। चार शर्तें यहां पर दर्शाई जा रही हैं। चार शर्तों के माध्यम से कहा हो झल हो सकार हो ध्वा हो या पदांत हो तो धातु का जो अभी आप एक अच वाला बस प्रत्याहार को भस प्रत्याहार हो जाता है। अब यहां पर सूत्र कहता है एक अचो वसो भस झसा स्तब्धो, एक अच वाला झसंत उसका जो अवयव है उसके लिए था संख्यम भस भावो भवंती, भस भाव हो जाता है झली सकारे ध्व शब्दे च परे। तो जो जो दा है उस दा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। अब चौथे अक्षर के हो जाने पर गो दुहे था अब गो दुहे हो गया है। बस प्रत्याहार में बा गा डा दा और झस प्रत्याहार में झा बा घा ढा धा और हल प्रत्याहार में वर्ग का एक दो तीन चार अक्षर और सा 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 हा ये वर्ग कहलाते हैं। अब हमारे पास में जो दा है उस दा को धा किया जाएगा सुविभक्ति में भ्याम विभक्ति में भीष्म विभक्ति में और भैस विभक्ति में। यह आदेश वही किया जाएगा जहां पर आपने हा को घा किया है, अर्थात एकाचो वसो भस जसा स्तब्धो सूत्र से धकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाने पर घकार आदेश हो जाने पर गो दुग्ध। अब यहां पर गो दुग्ध सा इस स्थिति में झरो जस झरो झरो जस झलो जस सूत्र से घा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और विरामे वा
सूत लगाएंगे तो उसको का और गा हो जाएगा। या हल ज्ञापो द्या सुप तेनच, हल ज्ञापो द्या सुप तेनच, सूत्र से सकार का लोप हो जाने पर गोधुक गोधुग ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब स्वरवादी विभक्तियों के आने पर कहीं कोई कार्य परिवर्तित नहीं होता है। यहां धा के स्थान पर जो धा आदेश किया है, ये ध्यान रखना केवल आठ विभक्तियों के होने पर ही होता है। सु भ्याम भेस भ्याम भैस भ्याम भैस और सुप, इन विभक्तियों के होने पर ही हा को घा होता है। और जहां हा को घा होगा वही पदांत और झल मिलेगा। तो उस स्थान पर धातु के आदि में रहने वाला जो तृतीय अक्षर है दा, उसके स्थान पर धा आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर गो दू शब्द से अविभक्ति के आने पर गो दुहौ प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस प्रत्यय के आने पर अस शेष रहता है। स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय, सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर गो दुहा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में हे गो धुक हे गो दुग दुख और दुख प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन में हे गो दुहौ, बहुवचन में स सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत लगाने पर गो दुहाहा। अम्बिभक्ति के आने पर गो दुहम, ताविभक्ति के आने पर टा में से आ बचेगा तो गो दुहा। अब भ्याम विभक्ति आएगी, अब भ्याम विभक्ति के आने पर पुनः फिर यही दोनों काम हमें करने हैं। गो दुहे धन सब से तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर गो दुहे धन भ्याम, या पर स्वादा वदे सूत्र के द्वारा पद संज्ञा कर और हो ढा सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश की प्राप्ति है। परंतु दा देर धो घा सूत्र से हकार के स्थान पर घकार आदेश करने पर गो दुग्ध गो दुग भ्याम, इस स्थिति में एकाचो वसो भस जसा स्तब्धो सूत्र से दकार के स्थान पर धकार आदेश कर गो दुग्ध भ्याम, इस स्थिति में जलो जस सूत्र के माध्यम से धाके स्थान पर घाके स्थान पर गा आदेश करने पर गो दुग भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। गो दुहे शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में विष विभक्ति के आने पर गो दुहे विष या स्वादा वदे सूत्र से पद संज्ञा कर होडा सूत्र की प्राप्ति है। परंतु दादेर धोघा
सूत्र के द्वारा हकार के स्थान पर घकार आदेश कर गो दुग्ध धन भिस या एकाचो वसु भस जसा स्तब्धो सूत्र से दकार के स्थान पर धकार आदेश करने पर गो धुग भिस इस स्थिति में झलो जस सूत्र से घकार के स्थान पर ककार आदेश कर गो धुग भिस इस स्थिति में सजुसोरी सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर गो दुग भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर अब यहां पर जोड़ दिया जाएगा केवल गो दुहे। गो दुहे शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर गो दुहे धन भैंस यहां पर स्वादावदे सूत्र द्वारा पद संज्ञा होकर होडा सूत्र से अकार के स्थान पर ढकार आदेश की प्राप्ति है परंतु दादेर धोघा सूत्र से अकार के स्थान पर घकार आदेश करने पर गोदुग धन भैस यहां पर एकाचो वसो भस जसा दब्धो सूत्र के द्वारा दकार के स्थान पर धकार आदेश कर गो धुग धन भैस यहां पर झलो जस सूत्र के द्वारा ककार के स्थान पर ककार आदेश कर गो धुग धन भैस यहां सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर गो धुग भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। गो दुहे शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी गस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर गो दुहे धन अस या सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर गो दुहा प्रयोग सिद्ध होता है। गो दुह शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर गो दुहे धन ओस या पर सजुसोरी सूत्र के द्वारा रेप आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर गो दुहो प्रयोग सिद्ध होता है। गो दुही शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप करने पर गो दुही प्रयोग सिद्ध होता है। अब गो दुह शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर गो दुह धन सु यहां पर स्वादावदे सूत्र द्वारा पद संज्ञा कर होड़ा सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश की प्राप्ति है परंतु दादेर धोघा
सूत्र से अकार के स्थान पर घकार आदेश कर गो दुग धन सु या एकाचो वसो भस झसा स्तुब्धो। सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश कर गो दुग सु इस स्थिति में झलो जस। सूत्र से घकार के स्थान पर घकार आदेश कर गो दुग धन सु या खरी। सूत्र से ककार के स्थान पर ककार आदेश कर गो दुख सु या त्यादेश यो हो। सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर गो दुक्षु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से गो दुह गाय को धोने वाले शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है। इसी प्रकार से दुह दोहने वाला अजा दुह बकरी दोहने वाला दह जलाने वाले आश्रय दह अग्नि काष्ट दह अग्नि इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे कि जिनके हकार को घकार भी आदेश होगा और ढकार भी आदेश होगा, यानी कि घकार और ढकार दोनों शब्दों का आदेश होने के लिए शब्द हमारे बीच में रहेगा द्रुह। और द्रुह शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में आएगी। जय जिनेन्द्र, वंदना सबको, यथायोग अभिवादन।